दोस्तों, खुशी क्या होती है उसका पता मुझे अभी कल चला कि मेरे दोस्त का फोन आया 3 4 दिन पहले, आकाश का, और उसने कहा कि दीपक मुझे 10 लाख का लोन चाहिए क्योंकि मेरी मदर हॉस्पिटलाइज हैं और मुझे उनको हॉस्पिटल में पे करना है। और बैंकर्स बोल रहे हैं कि आपका 4 या 5 लाख के आसपास का एलिजिबिलिटी बनती है, उससे ऊपर हम नहीं दे पाएंगे। तो मैंने और मेरी टीम ने जैसे ही केस एनालिसिस किया तो उसमें मुझे पता चला कि इनकी एलिजिबिलिटी बन सकती है 10 लाख रुपए तक। तो अब बैंकर ने क्यों मना किया? बैंकर ने मना इसलिए किया क्योंकि एक तो उनके पास वैसे ही इतना वर्कलोड होता है, फर्स्ट। दूसरा, फिर उनको डॉक्यूमेंटेशन इतनी करनी पड़ती है और इसको लोन चाहिए था बहुत फास्ट, विद इन 3 डेज इनको लोन चाहिए था, और वो डेडिकेटेडली सिर्फ इन्हीं के काम पे नहीं बैठ सकते, उनको और भी सारे वर्क होते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जिसमें हमें बहुत ज्यादा कुछ वर्क ना करना पड़े, हम आपको सिर्फ 4 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन कर सकते हैं। जब मैंने और मेरी टीम ने केस एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि 10 लाख तक हो जाएगा। हमने उनके डॉक्यूमेंटेशन की, सारे डॉक्यूमेंट रेडी किए सेम डे, और थैंक्स टू हिम एज वेल, क्योंकि उन्होंने हमें जो जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए थे उन्होंने सेम डे हमें प्रोवाइड कराते गए, और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए, एक ही दिन में सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए, और हमने जाके सारे डॉक्यूमेंट बैंक मैनेजर को जाके दिए। और नेक्स्ट डे बड़ा अच्छा लगा कि जब उनके अकाउंट में 9,63,000 रुपये बैंक ने ट्रांसफर कर दिए, मतलब सेंक्शन भी हो गया और डिसबर्स भी हो गया, और सेम डे इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी आ गया। सो 3 काम एक दिन में हुए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल, सेंक्शन और डिसबर्स, और उसी दिन वो पैसे निकाल के हॉस्पिटल में दिए। और खुशी की बात यह है कि उनकी मदर अगले 4 5 दिन में घर पे आ जाएंगी और वो बहुत खुश हैं, पूरी फैमिली बहुत खुश है। और मतलब किस तरीके से वो हग करके मुझे गले मिलके जो रोया है, जो उसके आंसू थे, मतलब वो मैं कह सकता हूँ कि बहुत खुशी का वो पल था। मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ, यदि हमारे पास ऐसी नॉलेज है, हमारे पास ऐसा ज्ञान है, यदि हमारा ऐसे कैसा प्रोसेस है जिससे हम किसी की हेल्प कर सकें, तो क्यों नहीं हमें करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है, आपके पास ऐसा कोई ज्ञान है, या आप प्रोफेशनली ये वर्क करते हो किसी भी तरह का और उससे आप किसी की जेन्युइनली हेल्प करते हो, तो आपको करनी चाहिए। मॉनिटरिंग बेनिफिट रहता है, मैं अग्री करता हूँ उस चीज को, राइट। लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये होता है कि उनको कैसा फील हुआ है उन, राइट, क्योंकि एक लाइफ को सेव कर पाना, मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा अच्छा वर्क क्या होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मुझे लगा कि मुझे ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू।